कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन का समय 59 घंटे से बढ़ाकर 83 घंटे कर दिया गया है। अब शुक्रवार की रात 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक 83 घंटे का लॉकडाउन रहेगा, जिसमें आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिबंध रहेंगे। एसपी सिटी सोनम कुमार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि लोग घर से बाहर ना निकले, घरों में रहें, सिर्फ जो स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई, पंचायत चुनाव के मतगणना से जुड़े हुए कार्मिकों एवं एजेंटों को ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। एसपी सिटी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं वाले वाहनों का आवागमन जारी रहेगा, परंतु उनको भी शासन के निर्देश का पालन करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए आज रात 8 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 7 बजे तक 83 घंटे का जो है लॉकडाउन लग रहा है। इसमें जनता से ये अपील है कि वो घरों से बाहर ना निकले, सिर्फ जो आवश्यक वस्तुएं हैं और उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं, सफाई और पंचायत चुनाव के जो मतगणना से जुड़े हुए कर्मी हैं इनको ही अलाउ किया जाएगा बाहर, बाकी सब घरों में रहें और बाहर अगर कोई निकलता भी है तो मास्क और सैनिटाइजर सबका प्रयोग करता रहे। सर वाहनों का आगमन जारी रहेगा? जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हैं वहाँ उनका आवागमन जारी रहेगा, परंतु उनको भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलना चाहिए, उनको भी सारे कागज लेके चलने चाहिए और उनको बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। बट वो लोग यातायात के नियमों का पालन करें, जहाँ जहाँ बैरियर लगे हैं उनका भी पालन करें। अगर कोई एम्बुलेंस वगैरह आती है तो उसको हम लोग बैरियर को हटा देंगे, बट अगर कोई सिंपल आवश्यक वस्तु है तो वो बैरियर अगर कहीं होता है तो वो अपना रास्ता बदल के किसी और रास्ते से जाएँ।